नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं CSC नॉलेज बेस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोरोना की मुश्किल को देखते हुए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अगले कुछ महीनों तक आपको अपने लोन की EMI चुकाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, चाहे आपने होम लोन लिया हो, कार लोन लिया हो या फिर बिजनेस लोन लिया हो। लेकिन आपको यहाँ ये बात ज़रूर जान लेनी चाहिए कि किस बैंक के ग्राहकों को उसको फ़ायदा मिलने वाला है और कौन से लोग इससे बाहर रहेंगे। ये फैसला कब लागू होगा और इस EMI से जो आपको छुट्टी मिलने वाली है, इसमें किन शर्तों को पूरा करना होगा और क्रेडिट स्कोर पर क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा इसका। इसके अलावा मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि आप इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किस तरह के लोन पर ये राहत मिलने वाली है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोगों की कमाई ठप हो गई है, ऐसे में उनके लिए लोन की किस्त चुका पाना मुश्किल हो गया है और इसी को देखते हुए रिजर्व बैंक ने लोन चुकाने से छुट्टी दी है। लेकिन ये EMI हॉलीडे हर तरह के लोन के लिए नहीं है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि किस्त चुकाने से राहत सिर्फ टर्म लोन को ही दिया जाएगा। टर्म लोन का मतलब होता है वो लोन जिनकी किस्त कम से कम 1 साल तक चलती है, मतलब होम लोन लेने वालों को राहत मिल रही है। इसके अलावा कार लोन, बिजनेस लोन और यहाँ तक कि एग्रीकल्चर लोन लेने वालों को भी इसमें फ़ायदा होगा। EMI पर सामान खरीदने वाले लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आप क्रेडिट कार्ड बकाया किस्तों में चुका रहे हैं तो भी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन कुछ खास तरह के जो कर्ज होते हैं यानी ऋण होते हैं उसमें आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। जिसमें मान लीजिए कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की है तो उसका बिल आपको समय पर ही चुकाना पड़ेगा, इसमें किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी। इसी तरह किसान क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी आपको टाइम पर ही करना होगा। और अब बात कर लेते हैं कि किन बैंक के ग्राहकों को इस EMI से छुट्टी मिली है। तो रिजर्व बैंक ने कहा है कि हर किस्म के बैंक अपने ग्राहकों को ये सुविधा दें, फिर चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट, कोऑपरेटिव बैंक हो या फिर क्षेत्रीय बैंक, यहाँ तक के फाइनेंस कंपनियों से लोन वालों को भी इसका फ़ायदा होगा। ये मानकर चलिए कि अगर आप किसी भी लोन के लिए किस्त भर रहे हैं तो आपको राहत मिल जाएगी। इसके बाद अगला सवाल जो मन में आता है वो ये कि EMI नहीं चुकाने की छूट कितने दिनों के लिए है। तो इसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ कि कोई भी बैंक हमेशा के लिए EMI पेमेंट में राहत नहीं दे सकता। घोड़ा घास से अगर दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या? तो इसी तरह EMI से छुट्टी की ये सुविधा सिर्फ कोरोना समस्या को देखते हुए दी गई है। रिजर्व बैंक ने ये सिर्फ 3 महीने के लिए मोटे तौर पर ये फैसिलिटी दी है। रिजर्व बैंक ने साफ किया है कि 1 मार्च 2020 से लेकर 31 मई 2020 के बीच जो भी किस्तें पड़ रही हैं सिर्फ उन्हीं को ये राहत मिलेगी। इसलिए अगर आप मार्च महीने में कोई किस्त नहीं चुका पाए हैं तो अब राहत की सांस ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके शर्तों की। तो EMI से छुट्टी के लिए नियम कायदे बैंक खुद बनाएंगे, वहीं वही तय करेंगे कि किन लोगों को इस तरह की सुविधा दी जाए। बैंक हर ग्राहक को ये सुविधा देने के लिए मजबूर नहीं है, क्योंकि RBI ने सिर्फ रिक्वेस्ट की है, उन पर दबाव नहीं डाला है कि आपको ये करना कंपलसरी ही है। और दूसरी बात ये कि आपको 31 मई तक EMI नहीं चुकाने की सुविधा दी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई EMI माफ़ हो गई है, आपको आगे पूरी देनदारी चुकानी ही होगी। और हाँ, एक बात यहाँ पर और जान लेना आपको बेहद ज़रूरी है कि EMI नहीं चुकाने की स्थिति में आपकी देनदारी आगे शिफ्ट हो जाएगी, मतलब अगर आपका लोन 5 साल में चुकाना था तो आपको इस छूट के बाद 5 साल 3 महीने में चुकाना होगा। और इसका मतलब ये होगा कि आपका ब्याज थोड़ा बढ़ जाएगा और आगे आपको थोड़ा बढ़ा हुआ ब्याज EMI चुकाना होगा। आजकल ना हम लोगों को क्रेडिट स्कोर को लेकर काफ़ी चिंता रहती है, क्योंकि अगर क्रेडिट स्कोर घट गया तो आगे कोई लोन भी नहीं मिलेगा। तो क्या EMI की कुछ किस्तें नहीं चुकाने पर क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा?
इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर साफ किया है कि इस ईएमआई से छुट्टी की वजह से आपके क्रेडिट स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बैंक सिविल या दूसरी क्रेडिट एजेंसियों को इस बारे में रिपोर्ट नहीं करेंगे, यानी आपको आगे लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अंत में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस सुविधा का फ़ायदा ले सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हर बैंक इसे अपने तरीके से ही तय करेगी और हर बैंक का तरीका अलग हो सकता है, वो उन्हें खुद ही बताएंगे। तो आपको बस करना ये है कि अगर आपने लोन लिया है तो आपके पास इसके बारे में अगर मेल आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप कस्टमर केयर से बात करके इसके बारे में पता कर लें, ठीक है? आपको कस्टमर केयर के जरिए ये सुविधा मिल जाएगी, या फिर इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी बैंक इस तरह की सहूलियत दे सकते हैं। स्टेट बैंक ने तो कहा है कि वो अपने सभी ग्राहकों की ईएमआई नहीं काटेगा और इसके लिए किसी को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। कोरोना की वजह से ईएमआई से छुट्टी की यह सुविधा बहुत अच्छी है और कई ज़रूरतमंद लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। लेकिन मेरी एक छोटी सी सलाह है कि अगर आप सचमुच में आपको कोई दिक्कत आ रही है तभी इस सुविधा का फ़ायदा लें, अन्यथा ना लें, क्योंकि बेवजह लोन को टालने से कोई फ़ायदा नहीं है, इससे आपका ब्याज भी बढ़ सकता है। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। मैं मिलूँगा आपको एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, और हाँ, आप घर पर रहें और सुरक्षित रहें।